राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे आज के नए व्लॉग में। तो आज बहुत दिन मतलब 4 या 5 दिन के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ, और कई लोग तो ये सोच रहे होंगे कि व्लॉग बनाते बनाते कहाँ गायब हो जा रही है। तो इससे पहले दिव्यांशी को आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, और आज भी दिव्यांशी व्लॉग में दिख रही है, लेकिन इसके बीच का अंतर ये है कि मैं और दिव्यांशी दोनों थे डीडी हाट, तो हम 4-5 दिन वहाँ रहे थे, तो वहाँ मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा था। इसको स्कूल छोड़ो, लेने जाओ, काम कराओ, इसी में पूरा दिन निकल जा रहा था। मतलब जो मैं दीदी को कहती थी ना कि तू करती क्या है वहाँ, तो अब मुझे पता चला कि दीदी क्या करती है वहाँ, क्यों दिव्यांशी। तो इस वजह से बिल्कुल ब्लॉग नहीं बना। तो अब मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि डेली 11 बजे आप लोगों को रोज़ ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ब्लॉग रोज़ आए। और सबसे पहले आज है टीचर्स डे, तो सभी टीचर्स को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। और जिनसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है और जिनसे बहुत कुछ सीखा है, तो उनको भी मेरी ओर से हैप्पी टीचर्स डे। तो आज हम जा रहे हैं यहीं गांव में जो स्कूल है जूनियर का, तो बहुत लोग जानते भी होंगे और मैं जाती भी रहती हूँ वहाँ। तो आज हम वहाँ जा रहे हैं स्कूल में। तो वहाँ स्कूल में सर ने फ़ोन करके बुला रखा है, और सर सबसे पहले मैं सर को भी हैप्पी टीचर्स डे यहाँ भी तो कह लेती हूँ, और फिर वहाँ तो सामने से कहूँगी। और गाइज, मेरी यूट्यूब की जर्नी में अगर सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे किसी ने किया है तो वो सर है। तो और इसके साथ साथ और कौन कौन है वो मैं बाद में एक वीडियो ऐसे बनाऊंगी कि मेरी यूट्यूब की जर्नी में किसका सपोर्ट रहा है, तो वो सब व्लॉग आप लोगों को धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं स्कूल में। और दिव्यांशी, आप कुछ कहना चाहेंगी? मेरी तरफ से सब टीचर और मैम को हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे, वेरी गुड। तो दिव्यांशी के स्कूल में, दिव्यांशी इस यहाँ आज इसलिए क्योंकि दीदी को थोड़ा काम पड़ गया था, इस वजह से दिव्यांशी यहाँ है, वरना दिव्यांशी भी अपने स्कूल में होती आज। तो अब हम जाते हैं स्कूल में, फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं अब स्कूल में। जो यहाँ स्कूल दिख रहा है आपको वो है प्राइमरी का, और यहाँ है जूनियर का स्कूल। लेकिन उसके आसपास देखो इतना खुला खुला मैदान ना, ये इतना सुंदर लगता है। जब हम यहाँ पढ़ते थे प्राइमरी में, जूनियर में तो मैंने नहीं पढ़ा है, यहाँ प्राइमरी तक पढ़ा है 5 तक। तो यहाँ इतनी मस्ती करते थे ना इस पत्थर में, और एक नीचे पत्थर है, इतनी मस्ती करते थे बहुत ज़्यादा। ये देखो कितना सुंदर व्यू है यहाँ से, है ना, और चीड़ के पेड़ों से भरा हुआ पूरा जंगल यहाँ, है ना दिव्यांशी? आपके स्कूल में भी ऐसा नहीं है? तो फाइनली पहुँचने वाले हैं, यहाँ से जाते हैं शॉर्टकट गेट। तो मेन जो स्कूल का गेट है वो तो नीचे से है, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे। चलो, ये देखो बाहुबली बच्चा। तो गाइज, यहाँ चल रही है टीचर्स डे की तैयारी। ये इनसे जानते हैं, एक मिनट रुको, ये सर तुम्हारे लिए कर रहे हैं या तुमने सर के लिए किया है? आज टीचर्स डे में बच्चे देते हैं ना सरप्राइज, तो तुमने दिया कुछ? बताओ क्या दिया? अच्छा, पेन, ठीक है, और ग्रीटिंग कार्ड दिया था। तो ये सर ने अपनी तरफ से बच्चों को कि इनकी फोटो को प्रतिमा बोला जाता है, इसका अनावरण होगा, और उस अनावरण के बाद यहाँ पर हम अगरबत्ती जलाएंगे क्योंकि दीप की व्यवस्था हमारे पास है नहीं अभी, और उसके बाद हम इनका आज बर्थडे मनाएंगे। जैसे हमारे प्रियांशु जी का बर्थडे, अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, वैसे इनका बर्थडे है, जन्मदिन किसका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी का। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी कौन थे, क्या थे, आप लोग जानते हैं या नहीं जानते है? तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतानी गांव में इनका जन्म हुआ था। बोला जी यहाँ पे समाज विज्ञान वाले हैं, वो बता देंगे कहीं मैं गलत बोलूंगा। तो तिरुतानी नामक गाँव में इनका जन्म हुआ था। वहां जो तमिलनाडु में है, वहां किसी के भी नाम के आगे माँ वाह ये लगा। Thank you.
तो गाइस जो जो प्रोग्राम होने थे वो हो गए और अब यहाँ बच्चे जो उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है वो खाएंगे। तो अभी दिव्यांशी और मैं जा रहे हैं अब घर को। मैंने वहाँ ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि कुछ हो नहीं रहा था वहाँ ज़्यादा व्लॉग बनाने को, है ना दिव्यांशी? हाँ। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं घर को और इतनी तेज धूप है कुछ समझ नहीं आ रहा है, पूरा पसीना छोड़ गया था। हाँ इतनी गर्मी हो रही है। तो अब हम जाते हैं घर को और उसके बाद जो भी डेली काम होते हैं वो आपको व्लॉग के माध्यम से दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर दीदी और दिव्यांशी दोनों डाल रहे हैं अपन। ये वाले जो हैं ये मैंने डाले हैं, जल्दी जल्दी में किया था, मतलब ये थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये वाला भरा भरा डिज़ाइन यहाँ पर अच्छा लगता है, मेन गेट है तो यहाँ पर अच्छा लगता है। तो ये बना रही है दीदी और दिव्यांशी। दिव्यांशी को भी आता है? कर रही है यार, आता है इसको सच में। किसने सिखाया तुझे? दीदी ऐसे भर के थोड़ा सा बिंदु लगा के बता दे रही है कि ये ब्लॉक भरने हैं, तो दिव्यांशी उनको भर रही है, है ना दिव्यांशी? और दीदी तो मल्टी टैलेंटेड है, तो अपन वाला काम ये मैंने इसके लिए बचा के रखा था, ये वाला दीदी करेगी। अभी और हैं तो जब तक एक दो दिन ये यहाँ है अच्छे से क्या कर लेते हैं, सदुपयोग कर लेते हैं इसका ताकि ये वाला काम हो जाए। भी तो सच में आँख में दर्द हो गया इतना डालते डालते ना कब से। ये यहाँ पर ना और भी सोच रहा था लेकिन यहाँ पर यही वाला डिजाइन अच्छा लगता है क्योंकि गंदा भी अगर होता है तो जल्दी से साफ भी हो जाता है ना, मिट्टी वगैरह अंदर आती है तो, है ना दिव्यांशी? हाँ। तो अब जैसे ये अच्छे से पूरा होगा फिर दिखाते हैं, वैसे लगभग हो ही गया, थोड़ा ही बचा है अब। कायरा क्या हो रहे तेरे ठाट बाट, क्या कर रही है बता? कायरा अभी घास खाने में बिजी है। और यहाँ कायरा की माँ हमारी जस्सू, बस इससे अभी बोलना नहीं हुआ, घास खाने में बिजी हमारी जस्सू। खा देखो घास कैसे खाती है गाय, मैं आज आपको दिखाती हूँ कि गाय घास कैसे खाती है। अब देखो ये देखो दांत से खा रही है ना, और जो शाकाहारी जानवर होते हैं तो वो बिल्कुल अच्छे से मुंह से पानी पीते हैं, जैसे कुत्ता है मांस खाता है तो वो चाट के पानी पीता है। ये है शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों की पहचान। अभी पानी नहीं पी रही है लेकिन मैंने फिर भी बता दिया कि आपको कि ऐसा होता है। यहाँ देखो बिल्कुल धुआं धुआं कर दिया है चाची ने, यत्र यत्र धूमम तत्र तत्र वही वाला हो रहा है, जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगी, है ना दिव्यांशी? और जहां जहां आग होगी वहां वहां क्या होगा? धुआं होगा। मार नारा इसको, मार इसको अच्छे से बोल फिर, नायरू बोल। हाँ ये देख नायरा तुझे मस्का मार रही है, मार इसको ये अब अच्छे नायरू हाँ अच्छे से कर, ऐसे कर उसके गल कंबल पर कर, यहाँ ये देख ऐसे कर ये देख। हाँ अब उसको अच्छा लग रहा है देख, जैसे तुझे मार खा के अच्छा लगता है ना उसको ऐसी मालिश करके अच्छा लगता है जैसे तुझे मार खा के अच्छा लगता है ना। तू नायरा से नहीं जीत पा रही है, क्या हुआ? मालिश कर, हाँ कर। तो गाइस बज रहे हैं शाम के 5 और मुझे ना छोटी 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 वाली भूख लग रही है तो मैं आई थी अमरूद की तलाश में, देखते हैं कि अमरूद है या नहीं है, मतलब बहुत दिनों से खाने का मन कर रहा था। तो अब देखते हैं ये पेड़, मतलब ये वाले अमरूद तो आपको पता होगा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन अभी इसमें अमरूद हो नहीं रहे, देखो इतने इतने छोटे हो रहे, देखो छोटा हो रहे। हाँ मतलब इसको टाइम लगेगा, 1 महीना तो लग जाएगा, 1 भी दाना ऐसा नहीं हो रहा जो मैं खा सकती हूँ। और ये है करेला, दिखा दो एक बार, ये सूखी बेल होगी ना, यहाँ पूरा साफ किया ना उसमें रहा होगा करेला। चल तेले इसकी सब्जी बना दूंगी, तेले इसकी सब्जी बना दूंगी, चल गंदा लगता है। तू करेला खाती है ना, तेरे लिए करेले की सब्जी बना दूंगी, चल। तीता लगता है, अजीब जैसा। अजीब होता है करेला, कितना अच्छा होता है मीठा मीठा है? हमारे वहाँ करेला मीठा होता है, तुम्हारे वहाँ कैसा होता है? जानसी ने पता नहीं कौन सी हीरोइन के जैसे अपने बालों में फूल लगा रखे हैं,
कहाँ से तोड़ के लगाया तूने? मुझे मोती बनी है। बिल्कुल अच्छा लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी हम कुछ चीज कहते हैं और वो हो जाती है। आज मैंने कुछ और भी मांगा होता तो क्या पता मुझे मिल जाता। मैंने कहा था ना कि मुझे अमरूद खाने का मन कर रहा है। ये देखो मुझे सबसे छोटा मिला है, बताओ। छोटे बच्चों को छोटा मिलता है ना, लेकिन ये वाला अच्छा होता है। ये देखो ये भी थोड़ा पका है, लेकिन मुझे कच्चे कच्चे वाले अच्छे लगते हैं। कच्चे दांत टूट जाएंगे तो? तेरे पास दांत ही। वाह जबरदस्त, बहुत अच्छा निकला, मीठा मीठा। धोने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि पेड़ से तोड़े हैं, फ्रेश फ्रेश। मम्मी लेके आई गाइस, उसको कहते हैं ममता। कोई किसी का नाम नहीं है, ममता वो वाली ममता है। कौन सी वाली होती है दी? इधर वाले बंद कर दो। ओके जबरदस्त। इसके अंदर दाने होते हैं। कीड़ा है इसमें है? मैं तो कच्चा है, देखो कच्चा। मैं कौन लाया? नानी। दीदी इतना काम कर रही है तो दीदी को भी एक दाना अमरूद का दे देते हैं। लो बड़ी भगनी। लो बड़ी भगनी, आपके लिए अमरूद ले। भगनी को मिल गया अमरूद। तो गाय चाची को एक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है पूरे गांव में मच्छर भगाने के लिए। पूरे गांव में देखो चाची ने मच्छर भगा दिया है धुआं लगा के। ये देखो गाइस, ये है प्रकोप इस चीज का कि ये मतलब जो गोबर के ऊपर ऊपर जो घास होती है वो जलाना पड़ रहा है, वो इसके चक्कर में, सुअर के चक्कर में। क्यों चाची? सुअर के चक्कर में ये सब जलाना पड़ रहा है क्योंकि गोबर कहीं डालने लायक तो सुअर ने बचाया है नहीं। जहां जहां गोबर वहां वहां सुअर, कुछ ऐसा हो रहा है गाइस। इस धुएं के पीछे से अगर आपने चाची को ढूंढ दिया, आपको 100 रुपये इनाम मिलेगा मेरी तरफ से। आप ही बताना कि चाची ने कौन से कलर की साड़ी पहनी है। चाची सच में दिख भी नहीं रही है इसके पीछे से। ये देखो सारा आग लगा रखा है यहाँ। तो शाम के बज रहे हैं 6:30 और हम जा रहे हैं पानी लेने के लिए। हम मतलब मैं और दिव्यांशी, तो इसके मजे ही रहते हैं जब यहाँ ही रहती है ना दीप्पी? देखो धारी में पूरी सफाई हो रही है और दिव्यांशी पानी के मजे लेते हुए। डीडी 8 में ऐसे नहीं होता ना, पानी कम होता है ना वहाँ। यहाँ देखो पूरी सफाई हो रही है, पानी की टंकी है यहाँ। थोड़ी सी इसमें गंदे, थोड़ी सी क्या, बहुत गंदगी हो रही है। और यहाँ देखो आजकल पूरा रास्ता यहाँ साफ कर रखा है ना, तो इस वजह से पूरा साफ साफ लग रहा है। ये देखो कल की बारिश से ना यहाँ अब थोड़ा ठंडा होने लगा, मतलब शाम सुबह शाम ठंड का मौसम शुरू है। नवरात्रि में तो इस बार भयंकर वाली ठंड होनी शुरू हो जाएगी। तो गाइस बनी रहना मेरे साथ ब्लॉग में। और मैंने आप लोगों से बोला है कि अब डेली ब्लॉग आएंगे, तो 11 बजे मेरे डेली ब्लॉग आएंगे। जो भी होगा सब कुछ आपको डेली देखने को मिलेगा। बहुत हो गई काम चोरी, अब चलो काम करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं और आप लोगों को भी पूरा यहाँ दिखाते हैं कि क्या क्या हो रहा है। कल से थोड़ा इंटरेस्टिंग ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगी, कुछ अच्छा करो आप लोगों को भी अच्छा लगे। तो आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक करते करते जाना आप। और सब, और मैं हाँ ये तो कहना ही भूल गई कि आप लोगों का थैंक यू जो आपने 7-8 वाली वीडियो को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे को सच में ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप मतलब 9.5 हज़ार लोग ऐसे कुछ देख लेंगे। तो मेरी पहली वीडियो है जिस पर इतने व्यूज़ आए हैं। तो ऐसे ही आप लोग अपना साथ देते रहना और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहना। मैं भी मेहनत करूँगी आप लोगों को जो भी सारी चीज़ें होती है वो सब दिखाने की। तो चलो आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, जय श्री राधे।